अष्टमी और नवमी पर बनाए जाने वाला चना प्रसाद हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके मिनटों में तैयार हो गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक पूरी काले चने को अच्छे से धोकर रात भर के लिए इसे भिगो दिया था। आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं और ये फूल कर डबल हो गया है। और अब हम एक कुकर लेंगे, हाई फ्लेम पे कुकर को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। कुकर में 1 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई और कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालकर गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे तेल में अच्छी तरह क्रैक होने देंगे, जिससे जीरा जलेंगे भी नहीं और इसका ऑयल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें 1 टुकड़ा तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता डालकर हम इसे भी ऑयल में अच्छे से पकने देंगे। और इस टाइम पे हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। सूखी लाल मिर्च डालकर हम इसे भी ऑयल में अच्छी तरीके से पकने देंगे। और इस टाइम पे हम इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने से इस चने में बहुत ही अच्छा हरी मिर्च का फ्लेवर आता है, तो आप हरी मिर्च को भी बिल्कुल स्किप ना करें। हरी मिर्च डालकर हम इसे भी ऑयल में अच्छी तरीके से पकने देंगे, जिससे हरी मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अब हम इसमें दरदरा कुटा हुआ 1/2 चम्मच अदरक डालेंगे। अदरक डालने से काले चने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इन सभी को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरीके से मिला लेंगे या भून लेंगे, जिससे हमारे इंग्रेडिएंट जलेंगे नहीं। और अब हम एक कटोरी लेंगे और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच या 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। यहाँ मैंने रेगुलर नमक का यूज़ किया, आप इसमें सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तीखा के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इन सभी मसालों का एक बहुत बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे, जिससे मसाले हमारे बिल्कुल भी तेल में जलेंगे नहीं और इन सभी मसालों से चना में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मसालों का। और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे मसालों को हम अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे मसाले हमारे जल्दी भुन जाएंगे। मसालों को हाई फ्लेम पे भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन गए हैं और इसमें से ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। और अब हम इसमें सोख किए हुए लाल या काले चने डालेंगे। चने डालकर हम इसे अब मसालों के साथ चलाते हुए अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मसालों के साथ चना हमारा अच्छी तरीके से भुन जाएगा। इस तरीके से काले चने का अष्टमी नवमी पे प्रसाद बनाएंगे, तो प्रसाद आपका बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से काले चना बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट होता है। और आप देख सकते हैं चना हमारे मसालों के साथ अच्छी तरह भुन गया है। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी चना बनाने के लिए जितने मसालों का यूज़ किया, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चना बना रहे हैं तो आप सारे मसाले को सेम तरीके से डबल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। और अब हम चने को एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने देंगे। हाई फ्लेम पे भी चना हमारे बहुत ही जल्दी और अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और अब हम इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है और अब हम इसका ढक्कन खोल करके चने को चेक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं चना हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा और चना मसाला हमारा प्रसाद के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। चना को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसका पानी सूख गया है
और चना हमारा बिल्कुल परफेक्ट मसालेदार बनके तैयार हुआ है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर डालकर हम इनसे भी एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। भुने जीरे पाउडर से काले चने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अब आप देख सकते हैं काले चने प्रसाद का हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे चलिए प्लेट में सर्व कर लेंगे। और आप देख सकते हैं काले चने हमारे बिल्कुल परफेक्ट प्रसाद वाले बनके तैयार हो गया है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से आप अष्टमी नवमी पर बिना झंझट के बिना मेहनत के कम समय में काले चने का प्रसाद बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं और खुद भी खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में।